बौद्ध दर्शन की जब हम बात करते हैं तो बौद्ध दर्शन के बारे में कहा जाता है कि बौद्ध दर्शन की शुरुआत दुखवाद से होती है। एक बात ध्यान में रखना है कि बुद्ध जो है दुख को वार्ता का विषय बनाते हैं, यानी कि इसके पहले की फिलॉसफी आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग जो है वैदिक जो फिलॉसफी थी, वैदिक जो संस्कृति थी, उसमें मोक्ष की बात आ रही थी। लेकिन बुद्ध ने मोक्ष यानी मृत्यु के बाद के जीवन के संदर्भ में चर्चा न करके वर्तमान जीवन के संदर्भ में चर्चा शुरू किया। और बुद्ध ने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया कि सारा संसार दुख में है, राइट? यानी बुद्ध ने दुखवाद को वार्ता का विषय बनाया और उन्होंने कहा कि सारा संसार दुख में है। लेकिन बुद्ध केवल दुख की बात नहीं करते हैं कि सारा संसार दुख में है, बुद्ध कहते हैं दुख का कारण है, और बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण है तृष्णा, दुख का कारण है अज्ञानता, और फिर बुद्ध कहते हैं कि दुख निवारण संभव है, और बुद्ध कहते हैं कि दुख का निवारण दुख के कारण को ही समाप्त कर किया जा सकता है। यानी बुद्ध ने जो दुख के बारे में जो बातें की, दुख से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया, वो कॉन्सेप्ट जो है बौद्ध धर्म के अंतर्गत फोर नोबल ट्रूथ के नाम से जाना जाता है, चतवारी आर्य सत्यानी, जिसमें दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, चार चीज याद रखना है। लेकिन इस दुख के विषय को डिस्कस करते हुए बुद्ध ने दुख का जो निरोध है उस दुख के निरोध यानी दुख को कैसे आप समाप्त करेंगे, जैसे अगर आप बात करें कि दुख है सारा संसार तो दुख में है, और दुख समुदाय का मतलब है कि दुख का कारण है, और दुख निरोध का मतलब है कि दुख का निवारण है, और चौथा जो महत्वपूर्ण चीज है कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग कहकर संबोधित किया। यानी दुख निरोध कैसे है तो इसका डिस्कशन करते हुए उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बौद्ध धर्म के अंतर्गत डेवलप किया, जिसको हम लोग प्रतीत समुत्पाद कहते हैं, है ना? और ये प्रतीत समुत्पाद का मतलब होता है, प्रतीत मतलब ऐसा, समुत्पाद मतलब ऐसा होने से ऐसा होगा, यानी कि यह जो है यह कार्य कारण संबंधों पर आधारित है। यानी कार्य कारण संबंधों के आधार पर बुद्ध ने मानव जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण आस्पेक्ट था, दुख, लोग दुखी थे, उस पर डिस्कस करने का प्रयास किया और उसको निवारण करने का प्रयास किया। यानी बुद्ध की जो दर्शन है, बुद्ध की जो टीचिंग है, वो व्यवहारिक टीचिंग है, क्योंकि बुद्ध जो है एक समाजवेत्ता थे। बुद्ध ने एक बौद्धिक क्रांति की थी और इसलिए बुद्ध ने कहा कि हम ईश्वर के बारे में वो ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो वर्तमान जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इस दुख निरोध को करने के लिए उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो विवरण दिया, जिसमें आठ प्रमुख चीजों की बातें बुद्ध कर रहे हैं, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग आपको याद रखना है, जिसमें बुद्ध कह रहे हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक विचार, सम्यक एक्शन कार्य, सम्यक आजीविका और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इस तरह के आठ महत्वपूर्ण जो चीज है उसको बुद्ध कह रहे हैं। देखो, सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है कि आपका जो अप्रोच होना चाहिए
एक तरह से किसी भी विषय वस्तु के बारे में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंप्लीट होनी चाहिए, बैलेंस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सम्यक वाणी की भी बात करते हैं, आप ऐसी वाणी बोलिए जिससे आप किसी को अहित नहीं करें। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जिन 8 चीज़ों पर बुद्ध बल दे रहे हैं वह जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आज भी जरूरी है। और इसलिए बुद्ध को कहा जाता है कि बुद्ध एक व्यवहारिक दार्शनिक थे, व्यवहारिक दार्शनिक बुद्ध थे। उन्होंने जीवन का जो मूल जो प्रश्न था उस मूलभूत प्रश्न पर चर्चा किया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैंने पहले भी कहा कि बुद्ध जो है उपनिषद के कुछ विचारधारा से प्रभावित थे, हालांकि उसका इंटरप्रिटेशन बुद्ध ने अलग ढंग से किया। बुद्ध कर्म एवं पुनर्जन्म की जो अवधारणा है उस कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास रखते थे, कर्म एवं पुनर्जन्म। अब ये बात ध्यान में रखना है कि बुद्ध को कर्म में आस्था थी और बुद्ध कह रहे हैं कि दुख व्यक्ति आसक्ति के कारण करता है, इच्छा के कारण करता है, यानी कर्म फल जो शेष होता है उसी के कारण व्यक्ति को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो आपका कर्म बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। आप एक कर्म में अगर इच्छा है आसक्ति है तो आपको दुख होगा ही होगा। और इस तरह से बुद्ध ने जो कर्म एवं पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट था, वैदिक धर्म का जो कॉन्सेप्ट था कर्म एवं पुनर्जन्म का, उस वैदिक धर्म के अंतर्गत कर्म एवं पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आत्मा का प्रश्न भी था, लेकिन बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, राइट। तो जब बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं तो फिर पुनर्जन्म कैसा हो, कैसे होगा? लोगों ने बुद्ध से पूछा कि जब आत्मा की अवधारणा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसा होगा? तो बुद्ध कहते हैं कि कर्म जो आप करते हैं उसका फल होता है। और फिर बुद्ध ने एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताया कि एक दिया को जलाते हैं और उस दिए से दूसरे दिए को जला देते हैं, तीसरे दिए को जला देते हैं और पहले दिए को बुझा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि बिना आत्मा का, बिना मीडियम का जो है पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म होगा। इच्छाओं के कारण आप पुनर्जन्म लेते हैं क्योंकि आपकी इच्छाएं शेष रह जाती है और इस कारण से आप पुनर्जन्म लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बुद्ध के शब्दों में निर्वाण या मोक्ष का क्या अर्थ है, तो बुद्ध के शब्दों में निर्वाण या मोक्ष का अर्थ है दुख से मुक्ति। इस जीवन से मुक्ति निर्वाण नहीं है, इस जीवन से मुक्ति को महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है बौद्ध धर्म में। यानी निर्वाण से मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसको दुख पर जो विजय प्राप्त कर लिया, जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया, जो अपनी अज्ञानता पर विजय प्राप्त कर लिया। तो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो बहुत व्यवहारिक है ना। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में ज़्यादा लस्ट रखेंगे तो आपको दुख तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा भी अगर बौद्ध दर्शन की बात करें तो बुद्ध एक सामाजिक वैज्ञानिक थे, एक बौद्धिक क्रांति कर रहे हैं बुद्ध। क्योंकि बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, उन्होंने कहा कि ईश्वर नामक कोई सत्ता नहीं है। और साथ ही साथ बुद्ध ने यह भी नहीं कहा कि ईश्वर नामक कोई भी सत्ता नहीं है जिसने इस सृष्टि की रचना की है, राइट। यानी बुद्ध प्रकृति में विश्वास करते थे, बुद्ध का मानना था कि सृष्टि की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है। एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो गॉड थ्योरी है सृष्टि की रचना के संदर्भ में, ये हिंदू धर्म में भी है और ये क्रिश्चियनिटी में भी है, ये इस्लाम में भी है। अधिकांश जो मेजर धर्म है उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि भगवान ने इस सृष्टि की रचना की। बुद्ध ने इस समय चैलेंज किया और कहा कि भगवान नामक कोई सत्ता नहीं है और भगवान नामक कोई ऐसी सत्ता नहीं है जिसने सृष्टि की रचना की है। आपको आश्चर्य होगा कि 19वीं शताब्दी में जब वैज्ञानिक क्रांति 18वीं शताब्दी में होती है यूरोप में, तब कुछ लोगों ने भगवान को चैलेंज किया
कि भगवान नामक सत्ता नहीं है जिसने सृष्टि की रचना की है, तो उसका 18वीं 19वीं शताब्दी में भी विरोध किया गया था। और अगर ऐसा आप समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली बुद्ध जो हैं किस तरह से उस 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक वैज्ञानिक क्रांति कर रहे हैं, और इसलिए बुद्ध को एक धार्मिक के प्रणेता के रूप में न देख करके हम एक सामाजिक वेता के रूप में भी देखते हैं, हम एक बौद्धिक क्रांति के प्रणेता के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि वो भौतिकवाद की बात कर रहे हैं और वो प्रकृतिवाद की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रकृति ने ही सृष्टि की रचना की है, सृष्टि की रचना एक प्राकृतिक प्रक्रिया का प्रतिफल है। इसके अलावा बुद्ध एक और महत्वपूर्ण चीज बुद्ध है उसमें विश्वास करते हैं, जिसमें साइंस भी विश्वास करता है, बुद्ध क्षणभंगुरवाद में विश्वास करते थे, क्षणभंगुरवाद, राइट। यानी बुद्ध का मानना था कि प्रकृति में जो परिवर्तन है प्रत्येक क्षण परिवर्तन होते रहता है, प्रत्येक क्षण प्रकृति में परिवर्तन होते रहता है, तो प्रकृति में जो परिवर्तन है ये परिवर्तनशील है सृष्टि, इसे किसी गॉड ने नहीं बनाया है। जबकि गॉड थ्योरी में आप देखेंगे कि यह मानना है कि गॉड ने एक बार सृष्टि की रचना की, जीव जंतु की रचना की, मनुष्य की रचना की, उसमें फिर कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म जो है और इसकी शिक्षाएं जो है, इसके जो दर्शन है, ये बहुत व्यवहारिक है। और अगर आप समझने का प्रयास करें कि बौद्ध धर्म क्यों आज भी प्रासंगिक है, तो आप इसकी फिलॉसफी को देख के समझ सकते हैं कि कितना प्रासंगिक है। क्योंकि आज भी अगर आप जीवन में दुख अगर आपको है तो उस दुख का कारण तृष्णा ही है, अज्ञानता ही है, भौतिकता है। भौतिकता के पीछे अगर आप भागते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे धनी और संपत्तिशाली लोग भी हैं या जीवन में सक्सेस लोग भी बहुत दुखी रहते हैं आज भी। उसका कारण ये है कि उनकी इच्छाएं अनंत है जिस पे वो विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और अल्टीमेटली वो दुख के दुष्चक्र में फंस जाते हैं और ये जीवन में कभी भी वे दुख से मुक्त नहीं हो पाते हैं। और इस तरह से बुद्ध ने एक व्यवहारिक दर्शन का प्रतिपादन करके लोगों को दुख से मुक्ति का राह बताया, राइट। तो इस तरह से हमने बौद्ध दर्शन को समझने का प्रयास किया।